चलो ना, कुछ नहीं होता, बस ये सामने घर आ गए, पहुंच गए हैं। मुझसे नहीं चला जाता। जी सर, सेठ गफार साहब हैं। जी सर, बताया था उन्होंने, आप उनको मिलने आए अली भाई। जी 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 सर, आए। शुक्रिया जी साहब। सर आपका वेट कर रहे हैं, आप चले, वो सामने रूम है आपका, आप बैठे, वो उधर आपके अंदर वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, आइए। ये गाड़ी? हाँ, ये गाड़ी भी उनकी है, माशाल्लाह बहुत लैंड लॉट लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम गफार भाई, कैसे हो भाई? क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह शुक्र, आप ना कहिया से हैं? ठीक है, शुक्रिया यार, बहुत गर्मी है, बस मौसम ऐसा है ना। बैठे। हाँ गफार भाई, वो मैंने आपको फोन पर सारी बात बता दी थी। आप टेंशन मत लें, मेरे तो आपको क्या परेशानी है? गफार भाई ऐसी चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, तो दरवाजा फिर बंद करके कर दें, कूलिंग ना खत्म, कूलिंग ना निकल जाए भाई। और कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? सीधा होकर ऊपर बैठ जाओ। हाँ तसल्ली से बैठे, कोई परेशानी नहीं, अपना घर ही समझे इसे। तो खाने का सुना है? हाँ बस खाना खा लेते हैं। खाना आपका तैयार हो रहा है? ठीक है, परेशान नहीं है। इसे अपना अपना ही घर समझे, तो किसी चीज की भी कोई जरूरत हो बेझिझक आप मुझसे मांग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जा रहा हूँ, दोस्त दोस्त ही होता है। ठीक हो गया, आपने परेशान नहीं होना है। देखा मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा करें, सफर में थक गए होंगे तो आप आराम करें। ठीक, मैं खाने का बोल देता हूँ, खाना भी आ जाता है। ठीक है, मुझे लेट हो रही है, आपका वेट ही कर रहा था। जी जी, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। चलो ठीक, शाम को मुलाकात होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। परेशान किसी बात से नहीं होना है। ओके गफार भाई, शुक्रिया, कोई बात, थैंक यू। अच्छा वैसे लगता तो नहीं है शक्ल से, शायद वो अमीर। नहीं यार, बात ये है, बाजुकात लोग बड़े सादा होते हैं और उनको उनके पास दौलत बहुत बेताशा दौलत होती है। चलो आप कह रहे हैं तो, वैसे मुझे इसकी नजर थोड़ी सी ठीक नहीं लगती। ओहो तुम भी अजीब हो, तुम्हारी तरफ कोई भी देखे तो वो तुम कहती हो ये अच्छी निगाह नहीं है इसकी। कभी तुम कोई बात करती हो, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। क्या हाल है? ठीक है। अली किधर गया? वो तो काम पर चले गए। अच्छा, और सुना है? जी ठीक। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, सुनाओ मेरे बारे क्या ख्याल है? क्या मतलब आपका? आप जब से यहाँ है ना, तो मेरी रातों की नींदें हराम हो गई, आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप पागल हो गए हैं? आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आप ने क्या कर दिया मेरे साथ। आप शर्म करें, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अली तुम पे कितना भरोसा करता है। आप मेरी बात सुने ना, आप ये मत सोचें अली और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं है, मेरी चीज अली की और अली की चीज मेरी है। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। अच्छा बात सुने, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरे बारे में जरा सोचना जरूर, ठीक है ना? समझ लगी, जाओ जाओ तुम। अली इतना भरोसा करता है इस पे, और इसके काम इतने गंदे हैं, इतने घिनौने काम करता है, अब मैं अली को क्या कहूंगी?
खूबसूरत बात है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं दीवाना हो गया हूँ आपका। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या कर दिया मेरे साथ। तमीज से बात करें आप। जैसा कुछ भी नहीं जाता, आपस की बात है, तय कर लेते हैं। तुम हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो। मैं सब कुछ अली को बता दूंगी। अली को बताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो आपकी वजह से, वरना अली को कौन रहने देता था। आप यहाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ छोड़े मेरा। बात तो सुने, कुछ भी नहीं। आप हाँ छोड़े मेरा। मेरी बात तो सुने। जो मजबूर होता है ना इंसान, उसको ज्यादा तड़पाना नहीं चाहिए। छोड़ो मेरा हाथ, मैं अली को भी फोन करके बताती हूँ। अरे क्या बताऊं, कितनी प्यारी लगती हूँ। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, इधर कुछ सोचो मेरे बारे में। ये पूरी जजात की आप मालिक बन जाएंगे। रोज रोज की हरकतों से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, रोजाना रोजाना की इसकी हरकतें, और अली के पास तो कोई काम भी नहीं है। हम तो मजबूरी से उसके घर में रह रहे हैं। अली को फोन करूँ या ना करूँ, क्या करूँ। चलो आज रहने देती हूँ, कुछ सोचती हूँ। हाँ क्या हाल है? ठीक है। आपको काम मिला कि नहीं मिला? हाँ मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया हुआ था, तो एक जगह से कुछ ऑफर आई है मुझे ड्राइविंग की। आप ड्राइविंग के अलावा कोई और काम कर लेना। यार आपको पता भी है कि मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो मैं कहता हूँ चलो इसी बहाने मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और मुझे सैलरी भी मिल जाएगी। अच्छा चलो ऐसा है कि मैं सारा दिन मैं बहुत जॉब ढूंढता रहा, तो बहुत मैं थक गया। अभी मैं सोता हूँ और सुबह मुझे जरा जल्दी उठा देना ताकि मैं टाइम से जा पे पहुँच जाऊँ। चलो जॉब जल्दी ढूंढ लेना, ये ना हो कि हमारे लिए कोई मसला बन जाए। मिल जाएगी, मिल जाएगी, बस अभी। अगर तुम्हारा मुझ पर एहसान ना होता तो मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त जमीन में जिंदा गाड़ देता। तुम मुझे क्या जिंदा गाड़ोगे, तुम तो अभी मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। ये अपने भाषण किसी और को सुनाना। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, कभी भी किसी मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाना। जाओ जाओ, ये अपने भाषण किसी और को सुनाना। उठाओ अपना सामान और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ ये कमीना इंसान इतनी घटिया हरकतें करता रहा और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया कि हमारे पास तो अपना कोई वसाइल भी नहीं है और ना ही आपका कोई कारोबार था, इस वजह से मैंने छुपाया आपसे। तो हम किसी और जगह चले जाते। खैर तुम अपना सामान उठाओ, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं।